कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी भयावह होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। देखते देखते शहर से लेकर गांव तक सभी अस्पताल फुल हो जाएंगे। जीवन रक्षक दवाइयों का अभाव तथा ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे अपने दम तोड़ते नजर आएंगे। लेकिन संकट की इस घड़ी में कसरावत नगर ने एक बार फिर एकजुटता की मिसाल पेश करी तथा संकट से लड़ने के लिए एकजुट होकर सामने आए, जिसमें कसरावत विधायक सचिन यादव ने शासकीय स्वास्थ्य केंद्र कसरावत को 5 नग ऑक्सीजन जनरेटर मशीन भेंट की तथा कसरावत में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए 5 लाख रुपए दिए। तो वहीं किसान दिलीप सिंह ने कसरावत में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए 20 लाख रुपए दान में दिए। इस अभियान में शिक्षक, पटवारी, रोजगार सहायक, ठेकेदार, समाज सेवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बाल समुद के समाज सेवी डॉक्टर महर उद्दीन खान ने रोगी कल्याण समिति को 1 लाख का चेक दिया। योगेंद्र चौहान ने भी 1 लाख का चेक दिया। तो वहीं कसरावत के एकमात्र निजी अस्पताल नवजीवन में विद्युत ठेकेदार एवं समाज सेवी सैयद हिफाजत अली जी द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो निश्चित ही कसरावत के मरीजों को नया जीवन देगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। वर्तमान समय में जगह जगह से सूचना मिल रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान जा रही है। मेरे कसरावत क्षेत्र में किसी की ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान न जाए, ये सोचकर मैंने रोगी कल्याण समिति कसरावत को अपनी तरफ से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 20 लाख रुपया दान दिया। और इस परम कार्य मेरे परम मित्र संजय शर्मा, सुरेंद्र सिंह मंडलई और शिक्षक साथी बधाई के पात्र रहे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी अपने घर पर रहे और स्वस्थ रहे। आज जो ये मशीनें दी है, कितने लाख की है और कितने लोगों के काम में आ सकती है? क्योंकि आज जो हमने 7.5 लाख रुपए की जो विधायक निधि से हमने 5 ऑक्सीजनरेटर्स हमने स्वीकृत कराए थे, जिसमें 4 जो हैं 10 लीटर क्षमता वाले हैं और 1 5 लीटर का क्षमता वाले हैं। और आज की परिस्थिति में लगभग 8 से 10 पेशेंट जो है इन मशीनों से उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया जा सकता है। साथ ही साथ और छोटे मोटे जो उपकरण हैं, वो उपकरण भी आज आए हैं, जैसे कि टेम्परेचर मीटर आया, थर्मोमीटर आया है, ऑक्सीमीटर आए हैं, ये सारी उपकरण भी आज हमने यहाँ पे दिए हैं। इसके साथ और भी हमने लगभग 10 लाख रुपये और हमने यहाँ पर विधायक निधि के स्वीकृत किए हैं, उसकी भी जो है मंजूरी है, उससे भी जो सामान हम लोग क्रय करने वाले हैं वो भी हमारे पास शीघ्र आ जाएगा। और साथ ही साथ 5 लाख रुपए हमने जिला अस्पताल को दिए हैं, वहाँ पे उपकरण और दवाइयाँ खरीदी करने के लिए यहाँ पे दिए हैं। साथ ही साथ हमारे इस कसरावत विधानसभा क्षेत्र में एक हम लोग लगभग 70 बेड का कोविड सेंटर हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ पर 50 लाख की लागत से एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हम लोग जन सहयोग और विधायक निधि के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी दानदाता हैं, उन दानदाताओं को मैं रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते और क्षेत्र विधायक होने के नाते मैं सभी का साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आशा उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से ये जो दानदाता आए हैं, वो उसी प्रकार से और भी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो है दानदाता आगे आएंगे। और हमारी सबकी ये कोशिश है, प्रयास है कि हम हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, तो विशेष करके कोरोना की इस महामारी के दौरान में जो भी आवश्यक उपकरण और जो चीज़ें लगेंगी, उनकी सारी व्यवस्था हम लोग कर सकें, ताकि हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को अपने इलाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दूर भटकना ना पड़े। अभी हम लोगों ने प्रशासन के साथ बैठ करके 2 और मशीनें, एक CRP मशीन और एक CBC मशीन, उसको भी हमने क्रय करने का हमने निर्णय और फैसला लिया है। साथ ही साथ हमने 10 बेड का एक ICU सेटअप हम लोग करने जा रहे हैं, उसका भी लगभग हमारी उसकी तैयारी है, और वो भी हम हमारे यहाँ के जो हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो साथी हैं, उनके लिए हम लोग एक ये प्रयास हम सब साथी मिलकर के करने जा रहे हैं। मैं पुनः हमारे सभी साथियों को हमारे मीडिया के माध्यम से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी रोगी कल्याण समिति का जो अकाउंट है, उस अकाउंट में जो भी दानदाता हैं, वो आगे आए, वो दान करें, वो हमारे जो PMO हैं उनसे आप हमारा रोगी कल्याण समिति का अकाउंट नंबर जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि संकट घड़ी में जो है लोग उदारता दिखाएंगे और इस संकट से निपटने में हमारा सहयोग करेंगे।
साथ ही साथ आज निश्चित रूप से हम सबके लिए एक राहत की बात है। आज जिस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत जो है सब जगह देखने को मिल रही है, आज ऐसे समय में हमारे कसरावत में जो नवजीवन अस्पताल है, नवजीवन अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वहाँ पर लगा है, इससे कहीं ना कहीं एक कुछ हद तक जो है हमको ऑक्सीजन की सप्लाई की जो समस्या थी, जो किल्लत थी, उससे हमको छुटकारा, हमको राहत मिलेगी, ऐसा हमको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।